छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर सोमवार को एक बड़ा फैसला किया। हालांकि इस फैसले की घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने 15 अगस्त पर की थी, इसे अब कानूनी तौर पर लागू कर दिया गया है। इस फैसले में कहा गया है कि लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी करते हुए यह भी कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अस्मिता बनाए रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में विपक्ष यानी बीजेपी ने इस मामले में कहा है, दरअसल लगभग 5 साल जब उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, ये प्रदेश शर्मसार हुआ, बलात्कार की अनेक घटनाएं हुई, छेड़छाड़ की अनेकों घटनाएं हुई, यहाँ तक कि भारतीय त्यौहार भी शर्मसार हुए, जब रक्षाबंधन और शिक्षक दिवस के अवसर पर भी महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ। अब अपने इस दाग को छुपाने के लिए चुनाव के समय में इस तरह की घोषणा केवल एक भ्रम मात्र है, और अधिकांश मामलों के अंदर में कांग्रेस के नेता ही इस तरह की चीजों में शामिल हुए। जिन लोगों को कांग्रेस सरकार के मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त हुआ, तो मुझे लगता है इनके दिल में कुछ है और दिमाग में कुछ है। मुझे लगता है संवेदनशील मामले के अंदर में राजनीति इस सरकार को नहीं करना चाहिए,